हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज डिस्कस करूंगा आप कैसे अपने डेस्कटॉप में आइकॉन लाते हैं, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो आइकॉन यहां से विंडोज बटन क्लिक करके यहां से आप तो कोई भी आइकॉन को यहां से इस तरह से आप तो अपने डिस्प्ले में आन सकते हैं, ठीक है। कुछ जो आइकॉन है हमारे सिस्टम में दिया रहता है, जैसे कि दिस पीस, कंट्रोल पैनल, यूजर, ये जो होता है ये है। आप इसमें देख सकते हैं, इस आइकॉन में ये जो एरो है इसका मतलब ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट आइकॉन है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल पैनल, दिस पीसी, ये सब आइकॉन शॉर्टकट में नहीं रहता, ये डिफॉल्ट में सिस्टम में रहता है, ठीक है। आप उसे कैसे लाते हैं मैं आप आज को उसी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप राइट क्लिक करके यहाँ पर पर्सनलाइज में ढुक जाइए, उसके बाद सिलेक्ट करिए थीम। थीम के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, उसके बाद ये जो है रिलेटेड सेटिंग, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस जिस आइकॉन को चाहिए उसे सिलेक्ट कर दीजिए। मुझे कंप्यूटर चाहिए, यूजर फाइल्स, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, इसके ये सब सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई ओके कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया डिफॉल्ट आइकॉन। और आप और आइकॉन कैसे लाते हैं और अदर्स सॉफ्टवेयर का आइकॉन कैसे लाते हैं, उसके लिए मैंने तो आपको पहले देखा है, आप इसे इस तरह से खींच कर भी ला सकते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस है, मैं आपको उसी बात दिखाता हूँ। सपोज मैं इसे लाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, यहाँ पर मोर में जाकर इसका फाइल लोकेशन में जाइए, उसके बाद ये जो है जिस लोकेशन में ओपन होता है उसी में राइट क्लिक करने के बाद इसे सेंड टू डेस्कटॉप, यहाँ से डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, आप ये देख सकते हैं क्रिएट शॉर्टकट, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। देख सकते हैं आप ये सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप के आइकन में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कंप्यूटर्स में डिफॉल्ट जो आइकन है उसे ला सकते हैं, और तो आप इंस्टॉल किया है बाद में उसे आप शॉर्टकट यहाँ से मार सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आइकन को ला सकते हैं। Thank you for watching video. If you like the video, please click on like button and subscribe the channel. Thank you very much.